हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप शॉर्ट हेयर कट करके उसमें स्टेप्स कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। तो आप देख सकते हो उनका लेंथ कितना है, उनको थोड़े शॉर्ट में लेयर्स चाहिए यानी स्टेप्स चाहिए थे थोड़े हेयर शॉर्ट भी करने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट हेयर करते टाइम उनको प्रॉपरली शॉर्ट में उनको लेयरिंग चाहिए थी। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग वैसे ही कुछ उनके लिए ये किए। उन्होंने थोड़ा सा फ़ोन में भी मुझे एक वीडियो दिखाया था कि मुझे इस काइंड ऑफ लेयरिंग चाहिए और इतना शॉर्ट हेयर कट चाहिए, और फिर हम लोगों ने, आप देख सकते हो उनका रिक्वायरमेंट क्या था। उन्होंने बोला था कि मुझे इतने शॉर्ट करने हैं और ऐसे लेयर्स मुझे देने हैं, तो मैं उसी हिसाब से उनके हेयर्स के ऊपर लेयरिंग करने वाला हूँ, जिसके लिए सिंपल मैंने तीन सेक्शन में डिवाइड किया है। उसके बाद आप देख सकते हो लेंथ का पार्ट पहले मैं कर लूँगा वन लेंथ, उनको दिखा के कितने शॉर्ट करने हैं। तो क्लाइंट ने मुझे बताया कि कितना शॉर्ट करना है, उस हिसाब से मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो छोटे छोटे सेक्शन लेते, पहले आपको वन लेंथ कर लेना है, वन लेंथ के बाद हम लोग लेयरिंग ऐड करेंगे यानी स्टेप ऐड करेंगे उनके हेयर्स के ऊपर। ये जितना भी हेयर कट होगा ये पूरा 45 डिग्री के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। 90 डिग्री ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर 90 डिग्री करेंगे तो ज़्यादा लेयर्स आ जाएंगी, तो हमें बस बॉटम यानी हाफ पार्ट में लेयर ऐड करना है। जब भी आप शॉर्ट हेयर कट करते हो तो आप ज़्यादा लेयर नहीं दे सकते, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो उनके ईयर है उसके नीचे हम लोग पूरे लेयर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 45 डिग्री पे बालों को उठा रहा हूँ और उसको कट कर रहा हूँ गाइडलाइन के साथ। आप देख सकते हो सीधा ऊपर लिया, क्लाइंट का हेड पोजीशन देखा, गाइडलाइन देखा और उसको लेयर करना स्टार्ट कर दिया 45 डिग्री में। उसके बाद मैं कर रहा हूँ पॉइंट कटिंग थोड़ा थोड़ा, तो आप भी सिमिलर टेक्निक से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड सेक्शन, उसको भी आपको 45 डिग्री में लेना है, 90 डिग्री में नहीं। उसके बाद नीचे का जो गाइडलाइन है उसको आपको आराम से फॉलो यानी उसको ही मैच करना है नीचे वाले बालों के साथ ऊपर के हेयर्स को, और एक अच्छा सा दो बार चेक करो उसे प्रॉपरली। छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको वर्क करना है, ज़्यादा भी बड़े सेक्शन लेके आपको वर्क नहीं करना है। आप देख सकते हो छोटे छोटे पार्ट लेके मैं कट कर रहा हूँ, एकदम आसानी से आप ये हेयर कट कर सकते हो और आपके क्लाइंट को एकदम अच्छा सा लुक दे सकते हो ट्रेंडी। और जैसे अभी समर भी है जैसे, तो बहुत लोग शॉर्ट हेयर कट प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा धूप होती है तो बाल ज़्यादा इजीली मैनेज हो, ज़्यादा ये ना हो, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर कट करते हैं। और ये हेयर कट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर मुझे ऐसा ही हेयर कट कुछ चाहिए, तो मैं वैसे ही हेयर कट इनके ऊपर हेयर ट्राई कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी ये शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, और मेरे क्लासेस पुणे महाराष्ट्र में होते हैं, वहाँ पर मेरा सलोन और एकेडमी है। तो जिसको भी क्लासेस के डिटेल चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, यानी वहाँ पे आप फॉलोअप ले सकते हो कि क्या क्या कोर्सेस है और क्या क्या फ़ीस है हमारी। तो हम लोग उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस यानी फ़ीस आपको डिटेल में समझाएंगे कि और क्या क्या कोर्स होते हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको हम लोग समझाएँगे। तो आप देख सकते हो प्रॉपरली लेयर्स कैसे आ रहे हैं, और हम लोग ज़्यादा 90 डिग्री के ऊपर नहीं जा रहे। मैं 10 बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको 45 डिग्री में हेयर कट करना है, 90 डिग्री अगर आप जाओगे ऊपर तो जो लेयर्स है वो बहुत ऊपर से आ जाएंगी। अगर ज़्यादा ऊपर से लेयर्स आप दोगे तो क्लाइंट को इतना प्रॉपर यानी बहुत ऊपर से लेयर्स आ जाने के बाद कर्ली हेयर पे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा मेसी लगेंगे हेयर। तो हमने ये टारगेट किया है कि हम लोग 45 डिग्री पे हेयर कट करके एक अच्छे से गाइडलाइन प्रॉपरली एक ईयर के नीचे प्रॉपरली लेयर्स उनको ऐड कर देंगे जैसे उन्होंने हमें दिखाया है वैसा। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ डाउट हो, कुछ चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर कमेंट करना। शॉर्ट हेयर कट मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि शॉर्ट हेयर कट के ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर लेयरिंग आ गई। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ, जो भी अभी हमारा आगे का सेक्शन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने पीछे का पार्ट थोड़ा सा ऐड किया है और उसको भी सेम 45 डिग्री में उठाऊँगा, और जो पीछे की गाइडलाइन है उसको ही मैं आगे की तरफ मर्ज कर रहा हूँ, और उसके बाद पॉइंट कटिंग। तो सिमिलर टेक्निक है, तीन सेक्शन में आपको डिवाइड करना है, ऊपर लेना है, उसके बाद अच्छे से कोम करना है, और उसके बाद आपको गाइडलाइन इजीली मिल जाएगा नीचे वाला, उसको भी आपको 45 डिग्री, और उसके बाद आपको उसे कट कर लेना है। तो बहुत आसानी से हम लोग ये हेयर कट कर रहे हैं। उसके बाद आप इजीली, अगर आप चाहते हो ज़्यादा सेट करने के लिए तो आप मूज भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लीव इन कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, एवरी हेयर कट हीट प्रोटेक्शन के लिए आप सीरम स्प्रे यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारा दूसरे सेक्शन की तरफ। एक बार मैं ऊपर के डायरेक्शन में भी लेके एक बार चेक कर रहा हूँ हेयर्स की सही है क्या, और थोड़ा मुझे लग रहा है तो उसको मैं कट कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा हेयर कट होने को है, बस एक साइड का मेरे ख्याल से बचा होगा,
तो हम लोग दूसरी साइड में भी वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो ब्लो ड्राई का टेक्निक वो सिंपल है, हल्का सा आउटवर्ड के डायरेक्शन में मैं जो मेरा 34 इंच वाला ब्रश है उससे मैं ये कर रहा हूँ। तो ये ब्रश के भी डिटेल्स का वीडियो चाहिए आपको कि कैसे ब्रश होने चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो तो वैसा वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा कि कौन से टाइप के ब्रशेस आते हैं, कौन से साइज़ में आते हैं और हर एक ब्रश का काम क्या होता है, उसके लिए मैं प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ब्रश का वीडियो चाहिए या नहीं। और आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली लेयर्स, उन्होंने जैसे फोटोग्राफ दिखाया था सिमिलर तरीके से मैंने वैसे लेयर उनके बालों के ऊपर ऐड किए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना ना भूले, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपका सपोर्ट दिखाइए कि आप लोग सच में मेरे वीडियोज़ देखते हो और उससे कुछ सीख पाते हो। अगर आप सीख पाते हो तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ये हेयर कट किया है और एकदम आसानी से ये सारी चीज़ें की है। और आप भी ये टेक्निक से आपके क्लाइंट्स को एक अच्छा नया लुक दे सकते हो और प्रॉपर उनको एक नया लुक आप ज़रूर प्रेफर कर सकते हो, वो भी शॉर्ट हेयर में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है शॉर्ट हेयर में हमारे पास लिमिटेड हेयर कट होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें भी स्टेप देखे एक अलग लुक उनके हेयर्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो जिन लोगों को एकेडमी ज्वाइन करना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप वहाँ जाके उनसे कोऑर्डिनेट करो, वो सारी चीज़ें आपको समझा देंगे कि एग्जैक्ट हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सामने से भी लुक दिखाता हूँ मैं आपको कि भाई ये सामने से भी कैसा लगेगा। तो आप देख सकते हो सामने से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और उनको जैसा डिज़ाइन उन्होंने सोचा था हम लोगों ने सिमिलर वैसा हेयर कट किया है और उनको काफ़ी हद तक वो अच्छा लगा है। आई होप आप सब लोगों को भी ये हेयर कट जितना क्लाइंट को पसंद आया उतना ही आपको आया होगा। अगर ब्रशेस के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको ये हेयर कट कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे अविनाश हेयर केयर। तब तक लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो जिससे आप कुछ सीख पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।